little bit about my personal journey to Silicon Valley from India 22 years ago. Hello friends, welcome to the Fact Ranger. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुलने जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आईआईटी का नया ब्रांच दुबई में खुलने जा रहा है। मौजूदा समय में पूरे भारत में कुल 23 आईआईटी के ब्रांच है और अभी 24वां दुबई में खुलने जा रहा है। एक्चुअली ये सब यूएई तथा इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। एक्चुअली 18 फरवरी के दिन दोनों देश के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुआ जिसके दौरान यह फैसला लिया गया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की इकोनॉमी पूरी तरह डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पर और जितने रैपिडली पूरे दुनिया ग्रीन एनर्जी तथा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल के तरफ शिफ्ट हो रहा है तथा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कार्बन इमिशन के तरफ जितने कठोर कदम उठा रहे हैं, इससे यह बात तो साफ है कि क्रूड ऑयल तथा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मार्केट ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाला है और इस बात को यूएई भली भांति जानता है। इसलिए यूएई अपनी इकोनॉमी को ऑयल के तरफ से मैन्युफैक्चर तथा सर्विस की तरफ शिफ्ट करना चाहता है एंड उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अच्छा ऑप्शन करंटली पूरे वर्ल्ड में ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है और इस बात को हमारे आईआईटीएंस ने प्रूव भी करके दिखाया है। इसलिए यूएई ने इंडिया से अपने आईआईटी का नया ब्रांच दुबई में खोलने का रिक्वेस्ट किया है और इस बात को इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।